अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोग प्रभु श्री राम लला के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ श्री राम लला के दर्शनों के लिए ललायत है। और इसी बीच मुंबई की रहने वाली 20 साल की शबनम शेख पैदल चलकर श्री राम दर्शनों के लिए अयोध्या पहुंची। शबनम श्री राम लला के दर्शन के लिए मुंबई से पैदल चलकर अयोध्या पहुंची हैं। उनका मानना है कि प्रभु श्री राम का भक्त होने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं। शबनम खुलकर कहती हैं कि वो राम भक्त हैं और इसीलिए अयोध्या आई हैं। अयोध्या पहुंचने के बाद शबनम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यात्रा बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं थी। उन्होंने कहा कि अगर मैं पाकिस्तान या किसी अन्य इस्लामिक देश में रहती तो ये काफ़ी मुश्किल होता, लेकिन मैं भारत में रहती हूँ। मैं 3 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को पार करने के बाद अयोध्या आई हूँ। 3 राज्यों की पुलिस और सरकार ने मेरी काफ़ी मदद की है और मुझे सपोर्ट किया है। कि ये 41 डेज से लगातार संघर्ष करके अब मैं अयोध्या पहुंची हूँ। राम जी के दर्शन करने से पहले मैं हनुमानगढ़ी गई थी, वहाँ पर मैंने दर्शन किया हनुमान जी के। फिर वहाँ पर बहुत जो बड़े बड़े महाराज जी हैं उनसे मैं मिली, उनका आशीर्वाद ली, फिर वहाँ से मैं होते हुए यहाँ पर आई हूँ। लेकिन यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था, रास्ते में तो हमने कोई कठिनाई नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर बोलते हैं ना, पहुँचना बहुत बड़ी बात थी। पुलिस वालों ने हमारा बहुत योगदान दिया, सम्मान मतलब बहुत साथ दिया, मैं क्या ही बोलूँ। दो लेडीज पुलिस है और एक सर जी जो TI सर है। हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमें सुरक्षा दी है। और मैं ये भी चाहूंगी कि योगी जी से मैं मिलूं, उनको भी ऐसी प्रणाम करके मतलब उनके चरण स्पर्श करके मैं आशीर्वाद लूं, क्योंकि उनके वजह से कहीं ना कहीं हमें इतना सुरक्षा मिला है, तो उनको दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी। ये राम जी पे जो फूल डालते हैं उधर के जिन्होंने दिया है उनके गले में, वो ये माला मुझे मिली है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो प्रसाद बनाए गए थे जो थे वो भी प्रसाद मुझे मिला है, और अभी का भी प्रसाद मुझे मिला है, और तुलसी भी मुझे मिला है। आपने जो आपके धर्म के ठेकेदारों को क्या कहना चाहती हैं, संदेश देना चाहती हैं? उनके लिए मैं क्या ही संदेश दूं, उनको भी मैं यही बोलूंगी, आप लोग भी आइए, आपका भी वेलकम है, आपको भी इसी तरीके से प्यार मोहब्बत मिलेगा। टीवी में उधर इतने दूर बैठ के कुछ मत बोलिएगा, आप यहाँ आइए, आपको रियलिटी पता चलेगी ग्राउंड की, फिर आप काशी भी भूल जाएंगे, मथुरा भी भूल जाएंगे। शबनम मुंबई की रहने वाली हैं और वो 21 दिसंबर को अयोध्या के लिए मुंबई से पैदल यात्रा पर निकली थी। शबनम ने प्रभु श्री रामलला के दर्शनों के लिए 1425 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की है। हालांकि इसके बाद भी उनके चेहरे पर थकान नहीं दिख रही। उनका कहना है कि 40 दिन की तपस्या पूरी हुई, प्रभु राम की नगरी में आकर मेरी यात्रा पूरी हुई। उन्होंने कहा कि मैं रामलला के दर्शनों का संकल्प लेकर पैदल निकली थी। आपको बता दें कि शबनम BCOM की प्रथम वर्ष की छात्रा हैं और उनकी भगवान राम के प्रति आस्था है। वो खुद को सनातनी मुस्लिम कहती हैं। जब उन्हें पता चला कि देशभर से लोग अयोध्या रामलला के दर्शनों के लिए जा रहे हैं तो वो भी पैदल ही निकल पड़ी। शबनम के हाथ में भगवा झंडा जिस पर हनुमान जी की तस्वीर बनी। उनका कहना है कि पिताजी को जब खबर लगी तो उन्होंने हामी भर दी, माँ थोड़ी उदास हुई। वहीं दोस्तों ने पहले उन्हें साइकिल से यात्रा की सलाह दी, मगर वो पैदल ही निकल पड़ी। और जब वो अयोध्या पहुंची कल तो फूलों की वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिस पर वो काफ़ी खुश नजर आई। और शबनम ने खुद कहा कि इतना स्वागत सत्कार मुझे अयोध्या नगरी में आकर मिल रहा है, अपने प्रभु श्री राम के चरणों में आकर मैं बेहद खुश हूँ।